दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहली खबर, कोरोना की तरह होगा बच्चों का वैक्सीनेशन, कोविन की तरह यू विन पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन, घर बैठे मिल जाएगा टीकाकरण का सर्टिफिकेट। जी देखिए बच्चों का टीकाकरण भी अब कोरोना की तरह नए प्लेटफॉर्म पर होगा, कोविन की तरह यू विन पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर वैक्सीनेशन किया जाएगा। भारत सरकार कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए गए कोविन पोर्टल की तर्ज पर यू विन पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। वहीं देखिए ट्रायल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के 65 जिलों में बहुत जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसमें बिहार के 2 जिले पटना और सुपौल को शामिल किया गया है। नए प्लेटफॉर्म पर टीकाकरण से इम्यूनाइजेशन का पूरा डाटा ऑनलाइन हो जाएगा। इसके साथ ही आम लोगों को घर बैठे सेशन साइट से लेकर प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी मिल जाएगी। देश के 65 पायलट जिलों के लिए भारत सरकार 13 जनवरी 2023 को यू विन प्लेटफॉर्म के पायलट का सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रही है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में आज से फिर मिलने लगेगा राशन, पीडीएस डीलरों की हड़ताल खत्म। जी हां देखिए बिहार में राशन वितरण व्यवस्था बुधवार यानी आज से फिर से सुचारू हो जाएगी। राज्य में राशन विक्रेताओं की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार से वार्ता के बाद मंगलवार को पीडीएस डीलरों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। सरकार ने उनकी 8 सूत्रीय मांगों पर विचार करने के लिए 2 माह का समय लिया है। सहमति बनने के बाद राज्य भर में पीडीएस डीलर बुधवार यानी आज से राशन बांटना शुरू कर देंगे। बता दें कि बिहार के राशन डीलर बीते 10 दिनों से हड़ताल पर थे जिससे गरीबों को सरकारी राशन का वितरण नहीं हो पा रहा था। बड़ी खबर में देखिए बिहार में अब कैंसर व किडनी की दवाएं मुफ्त में मिलेगी, जानिए और किन गंभीर रोगों की दवाई मिलेगी निःशुल्क। जिया देखिए बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को अब गंभीर बीमारियों की दवाएं भी मुफ्त में मिलेगी। अब कैंसर और किडनी की बीमारी की दवा भी बाहर से नहीं खरीदनी होगी बल्कि सरकारी अस्पताल में ही ये उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही बीपी और शुगर जैसे गंभीर बीमारियों की दवाएं के प्रकार भी बढ़ाए जाएंगे। अब 300 तरह की दवाइयों का और इजाफा अस्पतालों में कराया जाएगा। वहीं देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के अस्पतालों में कैंसर, किडनी, मनोरोग और डायलिसिस जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के दौरान आप दवाएं भी निःशुल्क ले सकेंगे। कई और बीमारियों की दवाइयों को मुफ्त में मुहैया कराने की व्यवस्था कार्य जुटी है। नई दवाइयों की सूची में मानसिक रोगियों के लिए 144 तरह की दवाइयाँ रहेगी। बड़ी खबर में देखिए बिहार के ग्रामीण इलाकों में बने गए 110 नया बस स्टॉप, परिवहन विभाग ने जिलों से मांगी है रिपोर्ट। जी देखिए बिहार के विभिन्न जिलों से बिहार, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बिहार छत्तीसगढ़ के लिए मार्च से 140 से अधिक बसों का परिचालन शुरू होगा। इस परिचालन से लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, उनका स्टॉप घर के पास हो, इसके लिए राज्य में 110 नए बस स्टॉप बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर परिवहन विभाग ने सभी जिलों से स्टॉप बनाने के लिए जगह चिन्हित कर रिपोर्ट मांगा है जहां से अधिक लोगों को बसों के परिचालन में सुविधा हो सके। वहीं देखिए ग्रामीण इलाकों में बसों का परिचालन बढ़ने के बाद बसों में सवारियां बढ़ जाएगी और बस स्टॉप नहीं रहते से राज्य में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ेगी। लोग कहीं भी बस को रोक कर बैठना चाहेंगे और बस चालक को भी हर जगह सवारी को बैठाने के लिए रोकना पड़ेगा। लेकिन स्टॉप बनने के बाद लोग बस का इंतजार एक स्टॉप पर करेंगे और दुर्घटना भी नहीं होगी। बड़ी खबर में देखिए बिहार में बायोमेट्रिक से बनेगी मनरेगा में काम करने वालों की हाजिरी, मजदूरों को सही काम का हो सकेगा भुगतान। जहाँ देखिए अब मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी के नाम पर फर्जीवाड़ा नहीं होगा, सभी मजदूरों का उनके कार्यस्थल पर ही बायोमेट्रिक पद्धति से हाजिरी दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए मनरेगा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मोबाइल का प्रयोग किया जाएगा। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMS के उपयोग से न केवल फर्जी हाजिरी लगाकर पैसे से निकाल पर रोक लग सकेगी बल्कि काम के घंटे का भी सही आकलन हो सकेगा। इससे सही मजदूरों को उनके सही काम के घंटे का भुगतान हो सकेगा, साथ ही
भ्रष्ट तरीके से मनरेगा में चल रहे फर्जीवाड़े से सरकारी राशि के दुरुपयोग पर भी रोक लग सकेगी। वहीं देखिए मनरेगा मजदूरों की हाजिरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस टेबलेट और मोबाइल के माध्यम से ली जाएगी। मोबाइल ऐप को ऑनलाइन किए जाने के बाद वर्क लोड मास्टर रोल नंबर तिथिवार उपस्थिति जॉब कार्ड का नाम उनका कार्ड नंबर सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारी का कॉलम दिखने लगेगा। सॉफ्टवेयर पूर्व में दर्ज फिंगरप्रिंट से सत्यापन स्वयं कर लेगा। बड़ी खबर में देखे देश भर में छपरा की हवा सबसे खराब, सूचकांक 449 पर पटना का भी दम फूला, जानिए अन्य जिलों का हाल। जहाँ देखिये सोमवार को राजधानी पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक 376 हो गया। पिछले 6 दिनों से सूचकांक में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी देश भर के 189 शहरों में बिहार का छपरा सबसे अधिक प्रदूषित है। वहीं देखिए पटना शहर में राजा बाजार, समनपुरा और आयकर चौराहा की हवा सबसे अधिक प्रदूषित है। समनपुरा का सूचकांक 441 है, जो दिल्ली के बराबर है। वहीं समनपुरा और राजा बाजार क्षेत्र की हवा में PM10 यानी मोटे धूलकण की मात्रा 500 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जबकि पिछले 24 घंटे का मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए। यहाँ प्रदूषक मानक से 9 गुना अधिक है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में घर से बाहर न निकले लोग, ठंड को लेकर मौसम विभाग की एडवाइजरी जारी। जहाँ देखिए बिहार में इस वक्त भीषण शीतलहर की चपेट में राज्य के कई जिले शीत दिवस का सामना कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अलर्ट से जुड़ी हुई है। बिहार में ठंड के हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने एक बड़ी एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जब तक बहुत जरूरी ना हो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। मौसम विभाग के मुताबिक हवा का दबाव सामान्य से ऊंचे स्तर पर बना रहेगा, इसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक और हेमरेज की समस्या हो सकती है। लोगों को यह कहा गया है कि आपात स्थिति में ही घर से बाहर निकले और ठंड से बचाव करें। वहीं देखिए मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई हालिया अलर्ट में यह कहा गया कि अगले 48 घंटे यानी 11 जनवरी तक बिहार भीषण शीतलहर की चपेट में रहेगा। 12 तारीख से ही बिहार में मौसम के अंदर थोड़ा सुधार हो सकता है और 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि तापमान में दर्ज की जा सकती है, लेकिन फिलहाल अगले 2 दिनों तक बिहार के ज्यादातर जिले शीत दिवस की चपेट में रहेंगे। बड़ी खबर में देखिए भारत जोड़ो के बाद कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से होगी शुरुआत। जहाँ देखिए पूरे देश के साथ बिहार में भी कांग्रेस एक बार फिर से अपने वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खुद को एक मजबूत पार्टी के रूप में पेश करने की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अब बिहार में गणतंत्र दिवस के दिन कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। दरअसल बिहार में इन दिनों कांग्रेस की टीम भारत जोड़ो यात्रा पर निकली हुई है। कांग्रेस की इस यात्रा का समापन गया में होना है, जिसमें राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस यात्रा के सम्पन्न होने के बाद कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के बिहार आगमन की भी संभावना जताई जा रही है। इसी बीच अब कांग्रेस पार्टी बिहार में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रखंड तक के नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी का यह अभियान 26 जनवरी से आरंभ होगा। बड़ी खबर में देखिए CBSE ने बदला 12 के मैथ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, MCQ सवालों की संख्या बढ़ी। जहाँ देखिए CBSE 12वीं परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब छात्र छात्राओं को अपने मैथ के लिए क्वेश्चन पेपर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। CBSE द्वारा लिए गए इस फैसले से छात्र को काफी राहत भी मिलेगी, क्योंकि अब उनके पास सवालों का जवाब देने के लिए बहुत विकल्प होंगे। दरअसल CBSE ने 12वीं के एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ के क्वेश्चन पैटर्न में बदलाव किया है। अब छात्र छात्राओं को मैथ में लघु, दीर्घ और केस स्टडी के 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे अगर कोई सवाल छात्र को नहीं आता है तो वह विकल्प वाले दूसरे सवाल को उत्तर दे सकते हैं। लघु उत्तरीय में 5 और दीर्घ उत्तरीय में 2 सवाल का विकल्प होगा। इसके अलावा केस स्टडी वाले 3 प्रश्नों में से 2 में विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही इस बार MCQ वाले प्रश्नों की संख्या 10 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। बड़ी खबर में देखे नीतीश कैबिनेट का विस्तार खरमास के बाद संभव, कांग्रेस ने बढ़ाई टेंशन। जहाँ देखे बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार खरमास के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच कांग्रेस ने महागठबंधन सरकार में टेंशन पैदा कर दी है। दरअसल मौजूदा कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री ही है। विधायकों की संख्या के आधार पर नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस कोटे से 2 और सदस्यों को मंत्री परिषद में जगह देने की मांग कर दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ गया है।
बाड़ेखर में देखे ललन सिंह बोले, नीतीश में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण, एकजुट विपक्ष करेगा फैसला। जहाँ देखे बिहार में सरकार बदलने के बाद से ही इस बात की चर्चा होने लगी। देखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। कई मौकों पर जेडीयू के नेता इस बात को कहते रहे हैं कि जनता चाहेगी तो नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी बीच कांग्रेस लीडर कमलनाथ ने दावा किया कि राहुल गांधी विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरा होंगे। कमलनाथ के इस बयान के बाद अब जेडीयू ने भी यू टर्न ले लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार में पीएम बनने के सभी गुण मौजूद है, लेकिन वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि सभी दल मिलकर बैठकर यह तय करेंगे कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। बाड़ीखर में देखिए आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ, महागठबंधन का फोकस राजपूत कार्ड को मजबूत करना। जहाँ देखिए डेढ़ दशक से जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ होता दिख रहा है। गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद आनंद मोहन जेल के अंदर उम्र कैद की सजा पूरी कर चुके हैं और अब राज्य सरकार उनकी रिहाई का रास्ता बनाते नजर आ रही है। दरअसल पिछले हफ्ते कैबिनेट की हुई बैठक में एक एजेंडे पर लगाई गई थी। इसमें कहा गया था कि 26 जनवरी के मौके पर वैसे कैदियों की रिहाई की जाएगी जिनका बर्ताव जेल में रहते हुए कुशल हो रहा है। माना जा रहा है कि आनंद मोहन के इसी आधार पर जेल से रिहाई मिल सकती है। अगली खबर में देखिए बिहार में 20 जनवरी तक मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, घने कोहरे से कराएगा बिहार। जी हां देखिए बिहार में 20 जनवरी तक कोल्ड डे रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में काफी गिरावट का पूर्वानुमान है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में शीतलहर बदली या पाला जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिर सकता है। शीतलहर शीत दिवस की स्थिति 20 जनवरी तक बनी रहेगी। पत्तेदार फसलों को पाला मार सकता है। आलू गोभी टमाटर आदि पौधों को पाला का सबसे अधिक खतरा है। वहीं देखिए मौसम विभाग के अनुसार विशेषकर राज्य के मध्य तथा दक्षिणी भागों में हवा चलने के कारण ठंड ज्यादा महसूस होगा। ठंड आर्कटिक उत्तर पश्चिम जेट स्ट्रीम के कारण बिहार में शीतलहर है। जेट स्ट्रीम उत्तर भारत से होकर गुजर रहा है। यह मौसम मनुष्य और पशु ही नहीं फसलों पर भी अपना प्रभाव छोड़ रहा है। हवा में मॉइस्चर सबसे निचले स्तर पर रहने से लोगों के होंठ फटने की संभावना बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। 16 से 18 जनवरी के बीच औसत न्यूनतम तापमान वर्तमान तापमान से 4 से 6 डिग्री नीचे जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।